हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक मिड कैप कंपनी के बारे में। इस कंपनी की वेबसाइट पर चलेंगे, इसका बिजनेस देखेंगे और उसके बाद फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स फ्यूचर में भी डिमांडिंग रहने वाले हैं, एवर ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में शानदार रेट से ग्रो कर सकती है। उससे पहले आपने आज मार्केट में देखा होगा कि निफ्टी 50 में अच्छा खासा करेक्शन आया है और मैंने आपको पहली वीडियो पब्लिश करके बता दिया था कि निफ्टी 50 जो 200 का एसएमए है, जो कि 10,885 का मैंने बताया था आपको, और उस लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि वहां से निफ्टी 50 नीचे गिर सकता है। तो इसलिए किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप लोग अपना मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लें, और वैसा ही हुआ, उस लेवल को निफ्टी 50 सस्टेन नहीं कर पाया और करेक्शन आया है। और अब इस करेक्शन में आपको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है, तो उसी तरीके की कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में नाम आपको दिख गया होगा, पॉलीकैब इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप इसके प्रोडक्ट्स देख लीजिए। प्रोडक्ट्स में सबसे पहला आप देखिए फेंस, उसके बाद देखिए लाइटिंग एंड लुमिनार्स, उसके बाद देखिए आप केबल्स बनाती है, वायर्स बनाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर्स हैं, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं इन कंपनी के वायर्स। उसके बाद आप देखिए स्विच गियर बनाती है, उसके बाद देखिए आप कंड्यूट्स एंड एसेसरीज, उसके बाद देखिए सोलर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर आप देखें ईपीसी, उसके बाद देखें अप्लायंसेज में गीजर वगैरह भी कंपनी बनाती है, स्विचेस बनाती है, पंप्स बनाती है, तो कंपनी ओवरऑल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। आप देख सकते हैं केबल एंड वायर्स, फेंस, लाइटिंग लुमिनार, स्विचेस, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट्स, कंड्यूट्स एंड एसेसरीज, पंप्स, अप्लायंसेज, ईपीसी, तो कंपनी का प्रोडक्ट्स को आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये प्रोडक्ट हमेशा काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं। और अभी COVID-19 चल रहा है, इसके लिए इनके सेल्स में थोड़ी गिरावट आ सकती है और प्रॉफिट में लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पॉलीकैब इंडिया का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 808 रुपए का चल रहा है, और आज के दिन की बात करते हैं तो 1.31% डाउन है। 805 का लो लगा है और 837 का हाई था, तो अच्छा खासा आज स्टॉक करेक्ट हुआ है। वन वीक की अगर इस स्टॉक की बात करते हैं तो आप देखेंगे 2.87% डाउन है। वन मंथ में आप देखें फिर भी आपको 9.88% का रिटर्न बनाकर दिया है, और एक साल में आप देखिएगा इस कंपनी ने 31% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है अगर अभी एक साल की सिचुएशन हम कंपेयर करें तो। तो एक साल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी का रिटर्न बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट इसने 31% का रिटर्न बनाकर दिया है। और 5 साल में भी देखेंगे तो 23% का रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जो अभी करेक्शन आया है एक साल में, उसके कारण 5 साल का रिटर्न बहुत कम दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस अगर इसी तरीके से चलता रहा और सेल्स अगर अच्छी होगी कंपनी की, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो जिनका विजन 2 से 3 साल का भी है, वो लोग इस कंपनी को आराम से SIP में ऐड कर सकते हैं। मिड कैप की कंपनी है, 12,201 करोड़ का मार्केट कैप है, और सेक्टोरियल पी से देखेंगे तो स्टॉक आपको सस्ते में अवेलेबल हो रहा है। 77% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। कंपनी क्या करती है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इंट्रो हम ज्यादा रीड नहीं करेंगे। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे 6 महीने से कांस्टेंट है, एक भी शेयर कंपनी का गिर भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कांस्टेंट है। रिसेंट इवेंट्स में अगर आप देखोगे तो 12 मार्च को एक्स डेट डिविडेंड भी दिया है 7 रुपए पर शेयर का, तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा आपको बना कर देती है। इसका हम लोग फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, उसमें हम इनकम स्टेटमेंट अगर बात करेंगे 2016 से, तो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 5,235 करोड़ का था, फिर 5,575 करोड़ का हुआ, फिर देखें 6,834 का हुआ, फिर FY 2019 में 8,049 का हुआ, FY 2020 में 8,922 करोड़ का हुआ, तो रेवेन्यू लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इस कंपनी का
आप देखेंगे नेट इनकम देखिए इस कंपनी की 2016 में कितनी थी, 184 करोड़ की, 2017 में कितनी है, 232 करोड़, फिर देखें 358 यानी कि 358 करोड़, उसके बाद देखें 499 करोड़, उसके बाद देखें 760 करोड़ के आसपास नेट इनकम कंपनी की हुई है। अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है, तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, अच्छे रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं ये हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। उसके बाद देख सकते हैं आप कंपनी का कैश फ्लो भी देख लेते हैं किस तरीके का है। तो फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो 2020 में इनका थोड़ा माइनस में है, लेकिन आप 2019 तक देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 943 करोड़ का फ्री कैश था। अभी 2020 में माइनस है जो कि कोविड-19 के चलते हैं, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, रिजर्व्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब देखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का डिलीवरी कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं 73.77% डिलीवरी हुई है, यानी कि डिलीवरी में बहुत अच्छे तरीके से इस कंपनी को आज बाय किया गया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी में शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन निफ्टी अभी करेक्ट हो रहा है, और करेक्ट हुआ तो जब मार्केट पूरा करेक्ट होता है तो कोई भी अच्छी कंपनी हो थोड़ा बहुत करेक्शन उस कंपनी में आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितने सस्ते में एक अच्छी क्वालिटी कंपनी मिले उतना आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर मैंने स्टॉक को लगाकर रखा है, एक कैंडल एक दिन की है, चार मूविंग एवरेज लगा रखे हैं 30, 50, 100 और 200 के, और 10 का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाकर रखा है जो कि 823 का है, उसके नीचे ये स्टॉक चल रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड में अगर देखें तो नीचे की ओर ये स्टॉक और भी जा सकता है। अब स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो ब्लैक कलर की लाइन देखिए 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि 799 का है, और उसके बाद पर्पल कलर की जो लाइन है आपको दिख रही है वो है 30 डेज का जो है 794। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 790 के आसपास, एक अच्छा लेवल है इसमें एंट्री करने के लिए, और SIP करते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। और इस कंपनी का जो सबसे अच्छा लेवल रहने वाला है वो आप देखिए कहीं ना कहीं 790 के आसपास में रहने वाला है। इस लेवल को अगर तोड़ देता है पॉलीकैब इंडिया तो फिर सबसे बेस्ट जो लेवल है 750 के आसपास पॉलीकैब मिलता है अगर आपको, बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखें कितना लो लगाया था इस कंपनी ने, कहां तक गई थी 625 रुपए तक के आसपास गई थी, और वहां पर क्या करते हैं लोग, बाय ही नहीं करते हैं अच्छी कंपनी को। और ये जब कंपनी यहां पर आ जाएगी 800-900 पर, तब आप लोग ज्यादा ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो एक क्वालिटी कंपनी में जब आपको पैसा लगाना है तो सस्ते में, स्टॉक मार्केट का मतलब ही यही है कि कम में खरीदो अच्छी कंपनी को और ज्यादा में बेचो, तो यही आपको स्टॉक मार्केट में भी करना है। बस आप कंपनी की क्वालिटी पर ट्रस्ट कीजिए, बिजनेस पर ट्रस्ट कीजिए, तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलेगी। तो आपके लिए दो लेवल हैं 790 और एक 750 के आसपास का अभी के चार्ट के अकॉर्डिंग। फर्दर कोई अपडेट होगा तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है, जब जब ये 860 के आसपास जाता है वहां से रिट्रेस कर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।